एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। सुपरहिट फिल्म दंगल को देखकर लोगों में परंपरागत कुश्ती के प्रति पुनः रुझान बढ़ा है। यह बात स्पष्ट हो गई जब संस्कृति द स्कूल में फोगाट एकेडमी का भव्य शुभारंभ हुआ। यह सपना तब साकार हुआ जब कॉमनवेल्थ खेलों में रजत पदक हासिल करने वाली बबीता फोगाट और उनके पिता द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महावीर सिंह फोगाट ने अपने कर कमलों से फोगाट फैमिली इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स का शुभारंभ किया। संस्कृति द स्कूल के परिसर में सर्वप्रथम रोमांचक दंगल हुआ, जिसमें राजस्थान के विभिन्न प्रांतों सहित हरियाणा उत्तर प्रदेश के पहलवानों ने कुश्ती के विभिन्न आयाम प्रस्तुत किए। विजेता पहलवानों को स्कूल की ओर से पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महावीर सिंह फोगाट और बबीता फोगाट के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। संस्कृति द स्कूल के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। विद्यालय के चेयरमैन सीताराम गोयल और विद्यालय के निदेशक मुकेश गोयल ने महावीर सिंह और बबीता फोगाट को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। स्वागत के बाद महावीर सिंह और बबीता ने कॉमनवेल्थ के साथ साथ अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों के अनुभव का साझा किए। अजमेर के युवाओं को परंपरागत कुश्ती की ओर मुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। कर्ज की कुश्ती को प्रमोट करने के लिए ही आज हम यहाँ मेरे पापा ने एकेडमी खोली और अजमेर आए हैं, ताकि लड़कियों को हम जितने ज़्यादा हो सके हम रेसलिंग में, क्योंकि रेसलिंग की एकेडमी है, रेसलिंग के बारे में नॉलेज है, तो हम चाहेंगे कि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आए और हम उनको ट्रेनिंग देंगे। खुद मेरे पापा भी देंगे और हम भी आएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारी एकेडमी है तो हम भी यहाँ पे आके ट्रेनिंग देंगे और कुछ दिन रह के यहाँ पे ट्रेनिंग भी करें। तो हम चाहते हैं कि जो सुविधाएं यहाँ पे, क्योंकि एक तो स्कूल भी साथ में हो गया, पढ़ाई भी साथ होगी और खेलना भी साथ हो गया, ट्रेनिंग भी साथ में होगी तो बेटर है, क्योंकि पढ़ाई भी साथ, खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम या जो असुविधा हमें हुई है गेम की करते हुए, तो वो उन बच्चों को ना, हम वो सब चीज़ें देना चाहते हैं जिससे हमें प्रॉब्लम हुई है और हम कहीं ना कहीं थोड़े पीछे रह गए। हम चाहते हैं वो सारी चीज़ देखें उनको, जल्दी उनको रिजल्ट मिले। बिल्कुल, मैंने बताया कि हम एकेडमी के अंदर आएंगे, खुद पापा भी सिखाएंगे और हम भी यहाँ पे आएंगे, हम भी सिखाएंगे और कुछ दिन रह के यहाँ पे हम खुद भी ट्रेनिंग करेंगे। नहीं, दो हरियाणा में भी खुली हैं, एक हिंदू पब्लिक स्कूल है हिसार में, उसमें खोली है, और एक झुंझुनू कला में हमने खोली है जो हमारे गांव के नज़दीक है, और ये तीसरी एकेडमी है जो हमने आज संस्कृति स्कूल भारतीय सिंधु सभा के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक मुंबई में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मण चंदीरमानी ने की। बैठक में राजस्थान के प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार तीर्थानी को राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व दिया गया।